तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण किया। ये दृश्य उस वक्त के आप देख रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का नौसेना दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेने का भी कार्यक्रम, जहां पर भारतीय नौसेना के इतिहास पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें शिवाजी महाराज के समकालीन जहाज के कई मॉडल बनाए गए हैं। तो 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। समुद्र में तैनात भारतीय नौसेना के जज्बे को सलाम करने के लिए भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है और साल 1971 से भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत हुई थी। आज़ादी के बाद से ही भारतीय नौसेना ने लगातार नए कीर्तिमान स्थापित किए। और अगर भारतीय नौसेना दिवस की शुरुआत की बात करते हैं, तो इसके पीछे भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध का भी एक किस्सा जुड़ा है, जिस पूरे मिशन को ऑपरेशन ट्राइडेंट का नाम दिया गया था। दरअसल 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के दौरान भारत दो तरफ से युद्ध झेल रहा था। एक तरफ बांग्लादेश में स्थिति को काबू में करना था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था। और साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने तो जो भारतीय जवान हैं नौसेना में, उनके उत्साह वर्धन के लिए प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं। हमारे संवाददाता योगेश शीतल हमारे साथ मौजूद हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। योगेश, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री की उपस्थिति बेहद महत्वपूर्ण। बिल्कुल रमा, आज का दिन काफी खास है, गौरवान्वित करने वाला दिन है भारतीय नौसेना के लिए। उसको दिन है तो काफी गर्व करने वाला दिन है आजकल, क्योंकि ऑफिसर ट्राइडेंट को बेसिकली कमेमोरेट किया जा रहा है। ऐसे समय प्रधानमंत्री यहाँ पे होंगे, नौसेना के बीच में होंगे, नौसेना के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश देगा। हम पहले भी देखें कि प्रधानमंत्री जनरली जो चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो, नौसेना हो, कई त्योहारों के मौके पर या अन्य मौकों पर वो वहां पे जाते हैं और एक तरीके का जुड़ाव जो है वो जो हमारे जो सेना के लोग हैं उनके साथ उनका अक्सर रहा है। आज के कार्यक्रम के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री का यहाँ पे 4 बजे आगमन हुआ है। अभी जो राजघाट का किला है, कोंकण क्षेत्र में वो जो किला है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को डेडिकेटेड है, वहाँ पे वो आए थे, अपनी आदरांजलि उन्होंने यहाँ पे दी। उनके साथ रक्षा मंत्री भी थे और साथ में महाराष्ट्र के गवर्नर रमेश बैस वो थे, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जितने भी जो पॉलिटिकल एरिना के लोग हैं वो यहाँ पे थे। अभी वो यहाँ से जो है तारकरली जाएंगे, जहां पर मुख्य कार्यक्रम जो है नौसेना का वो तारकरली में रखा गया है, जो कि जिसमें कि कई सारे डेमो जो है, डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो भारतीय नौसेना की तरफ से किए जाएंगे। समुद्र तटीय इलाका है, नौसेना का एक काफी कहें तो काफी रिच हेरिटेज इंडिया को रहा है और छत्रपति शिवाजी महाराज को उसका फाउंडर माना जाता है, जो नवंबर 2022 में हमने देखा भी था कि किस तरीके से नौसेना का जो ध्वज था उसमें उसका निशान बदलकर वहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज की जो मुद्रा थी उसको वहां पे लगाया गया था। तो अगर आप देखें तो कई ऐसे मौके हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सब चीजों का जिक्र किया है और खास करके आज का दिन ऐसे समय में जब नौसेना काफी मॉडर्न हो चुकी है, काफी अपडेटेड हो चुके हैं, मेक इन इंडिया उसमें आ चुका है, कई सारी PIL स्कीम्स उसमें आ चुकी है, बहुत सारे स्तर पे जो है नौसेना को सुदृढ़ किया जा रहा है, चीजें बदल रही हैं, मेक इन इंडिया के साथ साथ वोकल फॉर लोकल का भी मंत्र है। तेल रिलायंस के मामले में भारत आगे क्या करेगा, प्रधानमंत्री वहां पे एक संबोधन भी करने वाले हैं और ऐसे में जब कई सारी चीजें चल रही है, रक्षा मंत्री जो है वो भी, जो राजनाथ सिंह है वो भी साथ में है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी योगेश, प्रधानमंत्री ने शिवाजी महाराज की एक चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। जी रमा, यहाँ पे एक चित्र प्रदर्शनी रखी गई थी, इसके साथ प्रधानमंत्री को छत्रपति शिवाजी महाराज की एक तस्वीर जो है वो भी यहाँ पे की गई है। प्रदर्शनी का अगर जिक्र करें तो क्योंकि ये जो पूरा पूरा इलाका है, चाहे वो आप रायगढ़ किला देखिए, हो रत्नागिरी में आप देख लें, सिंधुदुर्ग देख लें या फिर कोल्हापुर में आप देख लें, ये जो बेसिकली और किसान उसके विधान यहाँ पे
सजीव रूप में दिखेंगे, जिसको देखकर कोई भी भारतीय को होगा कि किस तरीके से किला बनाया गया, किस तरीके से किला की बराबर आप देख तो काफी सारी रीजनिंग्स जो है वो रीजनिंग्स किस तरीके से की गई कि अगर हमला होता है तो कैसे निकला जाएगा, गुफाएं कहाँ पे होगी, निर्देशक कहाँ पे होंगे, कहाँ पे किस तरीके की रणनीति बनेगी, इन सब चीजों को लेकर जो प्रदर्शनी थी वो यहाँ पर आयोजित की गई थी, उसका भी अवलोकन उन्होंने किया। जो बाकी जो उनके साथ गणमान्य लोग थे वो भी साथ में थे, उन्होंने इसका अवलोकन किया और अब वो तार करली की तरफ, जहाँ पे नौसेना दिवस का मुख्य कार्यक्रम है वो उसकी तरफ प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। सीरमा, बिल्कुल आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि नौसेना दिवस के मौके पर शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण, ये अपने आप में कितना सिंबॉलिक है, कितना महत्वपूर्ण है? रमा, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अगर आप बात करें तो रिसेंटली दिल्ली में किताब का भी अनावरण किया गया था, जिसमें कि आज का शिवाजी नरेंद्र मोदी इस तरीके से किताब थी जिसका अनावरण जो है वो भी दिल्ली में किया गया था। अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो नवल इंसाइन है उसमें तो उन्होंने उसको उन्होंने चेंज किया, जो कॉलोनियल पास्ट था, जो औपनिवेशिक निशान उस पर था उसको उन्होंने हटाया, जो कि पंचप्रण में भी शामिल है कि औपनिवेशिक जो सोच है उससे बाहर निकला जाएगा। इन सब के अलावे अगर आप देखें तो उन्होंने कई मौकों पर मराठा वॉरियर किंग छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र किया है और कई बार उन्होंने कहा है कि जो प्रशासनिक दक्षता छत्रपति शिवाजी महाराज में थी वो प्रेरणीय थी और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। एक बार प्रधानमंत्री का ही मैं आपको कोट बताता हूं कि वेलफेयर ऑफ द स्टेट एंड इट्स पीपल वाज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज रूल।